फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर, और आपको कुछ शॉट्स भी बताएंगे, बहुत शानदार ड्रोन शॉट्स, और नज़ारे के मज़े लेना आप लोग भी। और अभी हमें हमारा एक फ़ैन भी मिल गया था, मतलब मैं तो एडिट तो मेरा तो सबसे फर्स्ट टाइम ही है कि भाई महीना भर हुआ है अभी चैनल खोले हुए, और एक फ़ैन भी बन चुका है। तो उन्होंने हमें फॉलो भी किया, पहले वीडियोज़ देखे, उन्होंने मेरी बाइक देखी, और अभी जस्ट मैं उनको दिखा तो उन्होंने मेरे साथ भी फ़ोटो भी खिंचाई। मतलब मज़ा आ गया, एक फीलिंग आ गया भाई लोग देखते हैं मेरा वीडियो। ओमकारेश्वर की गली है छोटी छोटी, महाकाल की नगरी तो अलग ही है क्या। एक उज्जैन और एक दूसरी ओमकारेश्वर, मजा आ गया भाई। और शाम के वक्त आया तो अलग ही मज़ा आया, व्यू कितना शानदार तरीके से मिला हमें। आगे के दर्शन भी आपको करवाते हैं, अब यहाँ पे देख के फ़ोन यूज़ होने दिया,
तो आपको लाइव दर्शन आपको करवा देंगे हम लोग, तो कुछ भी करेंगे, करवाएंगे दर्शन। तो आपको कराते हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन। ये नंदी महाराज बैठे हैं यहाँ पे, बहुत ही घूम के जाना पड़ेगा हमें। ये देख के नंदी महाराज बैठे हैं, ये ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर जाते हुए हम लोग। ये देखिए हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने। ये देखिए ये ओमकारेश्वर महादेव आपके दर्शन करवा रहे हैं। आपको अंदर मंदिर के भगवान के दर्शन करवाए, अब आपको अंदर से और घुमाते। कहने का मतलब ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। तो पंडित जी आप मुझे कुछ मंदिर के बारे में बताइए। देखिए साहब, मंदिर के बारे में ये बात है कि यहाँ जो ओंकारेश्वर नगरी, इसको अद्भुत नगरी कहते हैं। वेद में भी ऐसा लिखा हुआ है कि गंगा जी के स्नान करने से और माँ नर्मदा जी के दर्शन करने से आदमी पाप मुक्त होता है। जिस पर्वत में आप बैठे हो ना, पूरे ओम के आकार का पर्वत है, जो ऑलराउंडर चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे राजा मानदाता ने तपस्या की थी, तो राजा मानदाता ने तपस्या की थी भगवान शिव की, तो शिव जी ही प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने राजा मानदाता के लिए बोला कि भाई जो आपके लिए चाहिए बोलिए। राजा मानदाता ने बोला कि प्रभु मैंने आपकी भक्ति की है, मुझे आपके दर्शन हो गए, ये सबसे बड़ा जो दिया है आपने, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं। लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। तो भाई क्यों संतुष्ट नहीं हूँ? इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि मुझे ब्रह्मा जी के भी दर्शन चाहिए, मुझे विष्णु जी के भी दर्शन चाहिए, और आप हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव एक साथ हो गए, साथ में माँ जगदम्बे का भी दर्शन चाहिए, यानी पूर्ण शक्ति तीनों लोगों की। यहाँ पे भगवान राजा मानदाता ने उसको ऐसा वचन दिया कि आपको 24 घंटे यहाँ रहना है। भगवान ने हाथ जोड़ के बोला कि भाई 24 घंटे नहीं रह सकता, लोग संभाल रहे मुझे। सही बात है ना। तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यहाँ भगवान आते हैं। यहाँ सेना आरती भी होती है, अच्छी होती है, बहुत देखने लायक होती है। अच्छा, उसमें चौपड़ फाचे यानी शतरंज जमाया जाता है। सुबह में जब पुजारी जी मंदिर को खोलते हैं तो वो इधर उधर मिलते हैं, गोटियाँ इधर उधर मिलती हैं, लेकिन वो गोपनीय रखा जाता है, किसी को दिखाते नहीं। कभी कभी लोग भी देख जाते हैं लेकिन वो गोपनीय रखते हैं। ऐसा अद्भुत नजारा भगवान ओंकारेश्वर का, तो ये मानो आप नगरी अद्भुत है। ये स्वयंभुलिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, ओंकारेश्वर ब्रह्मा विष्णु में साक्षात है। जो हरिद्वार से गंगा जल आता है ना, वो यही चढ़ता और कहीं नहीं चढ़ता। अच्छा, ये ज्योतिर्लिंगों में नहीं, ये स्वयंभुओं में गिनती होती है। तो बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। दर्शन करके इतना आनंद आया, और इतने अच्छी तरीके से दर्शन तो मुश्किल ही होते, लेकिन हमारी किस्मत है, कह रहे थे पंडित जी के दिन में बहुत भीड़ थी क्योंकि आज संडे भी था, और हमारी किस्मत यह थी कि हम शाम के वक्त आए जब भीड़ नहीं थी। आपने खुद नहीं देखा होगा वीडियो में, बहुत मज़ा आ गया, बहुत